हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम बोटनी का पेपर डिस्कस करेंगे। बीएससी पार्ट टू का है, बीएससी पार्ट टू का जो कि 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, उसका पेपर डिस्कशन करेंगे। सब्सिडरी का ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आया था, पहली बार ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हुआ है क्योंकि कोविड था। आइए इस पेपर को डिस्कस करते हैं, इससे आपको सिलेबस का भी पता चल जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो पाएगी। तो ध्यान से देखते हैं, आइए करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम 20 तक डिस्कस कर चुके थे, इसमें हम 21 से डिस्कस करते हैं। 21st नंबर देखते हैं, विच आर द एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट का सबसे बाहरी प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन कौन है। तो एपिडर्मिस एंड कॉर्क, एपिडर्मिस सबसे बाहर है और कॉर्क तो सबसे प्रोटेक्टिव ही है। तो एपिडर्मिस एंड कॉर्क आर द एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट, कैस्पीरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन, कैस्पीरियन पट्टियाँ कहाँ पाई जाती, तो ऑब्वियसली एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस में क्वेश्चन बहुत आसान आया था, ये सब 11th के एनाटॉमी चैप्टर से हमको लग रहा है। अगर आप 11th का एनसीईआरटी का भी पढ़े होंगे बायोलॉजी के लिए, तो उसमें जो एनाटॉमी का चैप्टर है तो उसमें भी सब दिया हुआ है, बहुत आसान है। 23rd, द एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय, वृक्षों की आयु किस प्रकार पता की जाती है, तो काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, किससे, काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, वार्षिक छल्लों को गिन कर, वार्षिक छल्लों को गिन, काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, और इसको डेंडोक्रोनोलॉजी भी कहते हैं। मतलब तो ट्री का एज को डिटरमाइन करना, डेंडोक्रोनोलॉजी में हम उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, विच प्लांट बिलोंग टू फैमिली क्रूसीफेरी, क्रूसी फैमिली से कौन सा प्लांट बिलोंग करता है, तो मस्टर्ड फैमिली, मस्टर्ड फैमिली क्रूसी फैमिली से, क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, फाइबर्स आर एसोसिएटेड विद, फाइबर्स एसोसिएटेड विद फिलम आर, फिलम के साथ जो फाइबर एसोसिएटेड है वो कौन सा फाइबर है, तो बास्ट फाइबर, ऑब्वियसली बास्ट फाइबर। वुड फाइबर किससे होता है, जैलम से, आंसर बी है। नेक्स्ट, 26 नंबर देखिए, इन एंजियोस्पर्म जैलम इज मेड अप ऑफ, एंजियोस्पर्म में जैलम किस चीज़ से बना हुआ है, तो ऑब्वियसली एंजियोस्पर्म में जो जैलम है उसमें ट्रेकिड होता है, फाइबर भी होता है, ट्रेकिड होता है, वेसल्स भी होता है, वेसल्स होता है, फाइबर भी होता है, तो ऑल दी अबव हमारा कौन आंसर है, तो ऑल दी अबव, चार कंपोनेंट से बना होता है जैलम, वेसल्स, ट्रेकिड, जैलम फाइबर और जैलम पेरेन्काइमा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लाइंग हैज ए परफोरेटेड सेल वॉल, किसके पास परफोरेटेड सेल वॉल होता है, निम्न में से किस संरचना के छिद्रयुक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो ऑब्वियसली वेसल्स हैव परफोरेटेड एंड वॉल एंड ऑल अदर है पीटेड एंड वॉल। एनसीईआरटी का लाइन है कि वेसल्स के पास परफोरेटेड एंड वॉल होता है और सबके पास पीटेड एंड वॉल होता है। डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ऑब्वियसली डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो एनजियोस्पर्म का। नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज, एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है क्या होता है, तो वो ट्रिप्लॉयड होता है, क्या, 3N, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, किससे बनता है, तो ट्रिपल फ्यूजन से, इसलिए होता है ट्रिप्लॉयड। दो एग सेल होता है एम्ब्रॉय सेल के अंदर, जो एग सेल होता है सेंट्रल न्यूक्लियस दो होता है और एक पोलन ग्रेन का एक होता है मेल गैमेट, तो उसे 3N बनता है ट्रिप्लॉयड। इन एंजियोस्पर्म द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग, एंजियोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कब होता है, जब एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है, ऑब्वियसली एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31, मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट इज फाउंड इन, एक बीजागुण गुणज 8 केंद्रीय मादा युग्मोक्त विद पाया जाता है। हिंदी पढ़ना तो ज़्यादा ही डिफिकल्ट लग रहा है सबका, तो मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट फाउंड इन पोलीगेनम, किसमें, पोलीगोनम, पोलीगोनम में। नेक्स्ट देखिए, 32 नंबर, एन एम्ब्रायो डेवलप फ्रॉम ए सेल ऑफ एन एम्ब्रायो सेक अदर देन द एग, दिस इज ए कॉल्ड, एक भ्रूण अंड से विकसित ना होकर भ्रूणकोष की एक कोशिका से विकसित होता है, इसे क्या कहते हैं, तो पार्थिनोजेनेसिस, इसको क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, जो एग, मतलब एग के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप हो उसको क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। तो हमारा आंसर कौन हो गया, बी, पार्थिनोजेनेसिस, अनिसेक जनन। एम्फीमिक्सिस इन प्लांट मीन्स डेवलपमेंट विदाउट, एम्फीमिक्सिस पौधे में उभय मिश्रण से विकास का अर्थ है, तो विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, क्या,
विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। एम्फीमिक्सिस मतलब क्या है, गैमेट का फ्यूजन नहीं होना, ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस जो है इज ए टाइप ऑफ ए सेक्सुअल एम्फीमिक्सिस इज ए टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट 34 नंबर, वन ऑफ द फॉलोइंग शोज वन सेल्ड सस्पेंसर, इनमें से कौन एक कोश के निलंबम प्रदर्शित करता है, तो ऑब्वियसली वीट। वीट क्या वीट क्या सोचता है सोच करता है, तो एक कोश की सस्पेंसर, वन सेल्ड सस्पेंसर वीट। मोर ज़्यादा वेरिफिकेशन के लिए देख लीजिए, वन सेल्ड सस्पेंसर इज फाउंड इन एम्ब्रायो ऑफ ट्रिटिकम या वीट एंड सेटिटेरिया। तो वीट में जिसको ट्रिटिकम एस्टिवम उसका नाम है, और सेटिटेरिया में वन सेल्ड सस्पेंसर मिलता है। नेक्स्ट देखिए, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, निषेचन क्रिया है, तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ एग, मेल गैमेट का एग के साथ मिलना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिंगवी क्या होता है, पोलिनेशन। फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल ये नहीं, फ्यूजन ऑफ मेल न्यूक्लियस विथ पोलर न्यूक्लियाई ये नहीं, ये तो ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है, तो हमारा आंसर बी है। 36 देखिए, इन फ्लावरिंग प्लांट म्यूसिस अगर एट द टाइम ऑफ, फ्लावरिंग प्लांट म्यूसिस कब होता है, तो फॉर्मेशन पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन के समय, जर्मिनेशन ऑफ सीड के समय म्यूसिस नहीं होता, वहाँ क्या होता है माइटोसिस होता है। फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स में भी माइटोसिस होता है। फॉर्मेशन रूट प्राइमोर्डिया सब में माइटोसिस होता है, लेकिन पोलन ग्रेन के बनने के समय में म्यूसिस होता है। डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय नोआस्चिन, किसके कौन किया था, तो नोआस्चिन ने डबल फर्टिलाइजेशन खोजा था एंजियोस्पर्म में। फ्लावर्स विथ बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर कॉल्ड, ऑब्वियसली जो फ्लावर में पुष्प जिसमें पुकेसर एवं जायांग दोनों पाए जाते हैं, द्विलिंगी पुष्प, बाइसेक्सुअल फ्लावर, वेरी इजी, बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों हो, जिस फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों हो उसको क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल, जिसमें एक ही उसको कहेंगे यूनिसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन, उसको क्या कहते हैं पोलिनेशन। ट्रांसफर पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर का पोलन का एंथर से स्टिग्मा पर जाना क्या कहलाता है, पोलिनेशन या परागण। नेक्स्ट द फ्यूजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस विद द मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस इज नॉन एज, मादा जनन केंद्र का नर जनन केंद्र के साथ संबंध क्या कहलाता है, तो एडॉप्शन, उसको क्या कहते हैं एडॉप्शन, अभिग्रहण, अभिग्रहण। तो इस वीडियो में हम 40 तक ही रखते हैं, ये लास्ट है बट लीस्ट है, लास्ट बट यहीं तक रखते हैं, इस अगले वीडियो में हम 40 से ज़्यादा आगे करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर करें हमारे चैनल को, और यदि कहीं पर आपको लगे कुछ मिस्टेक्स हो गया हो तो उसका भी हमें फीडबैक दें, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। पढ़ते रहें, धन्यवाद।